दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन लड़कियों के बारे में बताएंगे जो लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, यानी कि Facebook पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, फिर उसके बाद उन लड़कों का व्हाट्सएप नंबर लेती हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करके उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं। लड़कियां कहती हैं लड़कों को, जानू हमसे दोस्ती करोगी? ऐसी लड़कियों की आज हम आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से उनकी व्हाट्सएप चैटिंग दिखाएंगे कि लड़कियां लड़कों को व्हाट्सएप पर किस प्रकार की मैसेज करती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उसके बाद उन लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों आज आप उन लड़कियों की जो लड़कों को व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, उनकी लाइव प्रूफ के माध्यम से लाइव चैटिंग देख। लड़की का नाम है पूजा, उसका नंबर है व्हाट्सएप 9165226287, उसका नंबर है व्हाट्सएप नंबर। उस लड़की को ब्लॉक कर दिया था। उस लड़की ने सबसे पहले मैसेज भेजा, हेलो। लड़की ने कहा हाय। लड़की ने पूछा आप कहाँ से हो? लड़की ने कहा यूपी। और आप कहाँ से हो? इंदौर से। लड़की इंदौर की है रहने वाली। इसके बाद लड़की ने कहा ओके, करती क्या हो? लड़की ने पूछा। उसने कहा जानू मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। लड़की ने कहा क्या आप अभी क्या कर रही हो? लड़की पूछ रही है उस लड़की से आप अभी क्या कर रहे हो? लड़का कहता है कुछ नहीं। तो लड़की कहती है ओके, वीडियो कॉल सेक्स करना चाहते हो? मेरे बहुत मन कर रहा है। यानी कि लड़की कह रही है लड़के से, मेरे साथ वीडियो कॉल सेक्स करना चाहते हो? मेरा बहुत मन कर रहा है करने का। तो लड़का कहता है आपकी एज कितनी है? लड़की कहती है मेरी उम्र है 22 साल, मैं अभी 22 साल की हूँ। इसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ तक की? लड़का पूछता है लड़की से कब? अभी पढ़ाई कहाँ तक की? लड़की कहती है मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ। ओके, अपनी पिक भेजो। लड़के ने कहा लड़की से अपनी एक पिक भेजो, मुझे देखना है आप कैसी लगती हो। फिर उसके बाद उस लड़की ने अपनी पिक भेजी, आप भी देख लीजिए। यह लड़की है जो लड़कों को ब्लैकमेल करती है और चैटिंग करती है, फिर उसके बाद रुपयों की डिमांड करती है। लड़का कहता है ब्यूटीफुल पिक है आपकी, आप बहुत ही सुंदर हो। लड़की कहती है थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। फिर इसके बाद लड़की कहती है वीडियो कॉल सेक्स करना चाहते हो या नहीं? यानी कि मेरे साथ वीडियो कॉल सेक्स करना चाहते हो कि नहीं, बोलो। लड़का कहता है कब? अभी। लड़की कहती है अभी, अभी नहीं। क्यों? कल। ओके जी, मेरा मन तो अभी कर रहा है। लड़की कहती है मेरा मन तो अभी कर रहा है वीडियो कॉल करने का, अभी रात है। लड़का कहता है अभी नहीं जानू, अभी रात है। तो लड़की कहती है रात में तो मज़ा आता है, यानी कि रात में तो और ज़्यादा
मज़ा आता है वीडियो कॉल करने में? तो लड़का कहता है ओके। लड़की कहती है ओके। आपका मन है? आप रेडी हो जाओ, लड़की कहती है। आपका मन है, लड़का पूछता है। तो लड़की रिप्लाई देती है यस, बहुत ओके। तो लड़की कहती है यस, मेरा बहुत मन है। ओके, लड़का कहता है ओके। तो आपने कभी किसी के साथ किया है? आप क्या कर रहे हो? लड़की कहती है ऐसे थोड़ी होता है, वीडियो कॉल सेक्स। बोलती क्यों नहीं हो? लड़का कहता है उस ब्लैकमेलर से, लड़की से, आप बोलती क्यों नहीं हो? दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब वह लड़की आपको वीडियो कॉल करेगी तो वहाँ से उसकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वह जब वीडियो कॉल करती है लड़की तो अपने वीडियो को म्यूट कर देती है, जिससे उसकी आवाज़ नहीं आती है, आपकी आवाज़ यहाँ से जाती है। आप अभी सामने आओ ना। फिर इसके बाद लड़की रिप्लाई करती है दूसरे कमरे में मेरे मम्मी पापा है। यानी कि लड़की कहती है मेरे मम्मी पापा है दूसरे कमरे में, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। दोस्तों देखिए, उसने कहा मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरे मम्मी पापा है। उसके मम्मी पापा तो यही धंधा करते होंगे, दूसरे कमरे में किसी को बुलाते होंगे। जब उसकी लड़की यह करती है तो मम्मी पापा तो स्वाभाविक है, करते ही होंगे। फिर इसके बाद लड़का कहता है नहीं, चेहरा नहीं दिखाना। लड़की कहती है चेहरा दिखाओ। तो लड़का कहता है मुझे चेहरा नहीं दिखाना है। क्यों? तो लड़का कहता है कुछ और दिखा तो दिखा दें। ओके, क्या देखना है? उसके बाद दोस्तों देखिए कौन सा शब्द लिखा है, मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता हूँ, आप खुद लाइव प्रूफ चैटिंग देख सकते हो। ओके ओके, लड़का कहता है ओके। मैं भी फुल ओपन होती हूँ, यानी कि लड़की ने बोला मैं भी फुल ओपन बॉडी होती हूँ। ओके ओके ओके, अंदर जाएगा क्या? हाँ यस। ओके ओके, आप अच्छे से करो ना। लड़की कहती है आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से करो। फोन को मेरी तरह अपने सामने रख दो। ओके, फिर उसके बाद तभी तो मज़ा आएगा, चेहरा नहीं दिखाना, अपना चेहरा ढक लेना। ओके, लड़की कहती है चेहरा नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, अपना चेहरा ढक लेना। फिर उसके बाद दोस्तों आप उसकी पूरी लाइव चैटिंग पढ़ सकते हो। उसके बाद लड़की कहती है दो मिनट रुको, मेरी मोम आ गई। ओके, हाँ। लड़का कहता है मोम है क्या? लड़की कहती है हाँ मेरी मोम है, यानी कि मेरी मम्मी है, मेरी मताई आ गई है, लड़की कहती है। दोस्तों फिर उसके बाद वह लड़के का वीडियो बना लेती है, इस प्रकार वह भेजती है वीडियो कि आपका वीडियो YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, UC ब्राउजर, सोशल मीडिया ऑन द वायरल वीडियो। आपका वीडियो YouTube पर, Facebook पर, ट्विटर अकाउंट पर, यूसी ब्राउजर एवं सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा अगर आपने मुझे रुपया नहीं दिया। बोलो डिलीट करना है कि वायरल करना है? तो उसके बाद लड़की उसको धमकी देती है, इस प्रकार की चैटिंग भी करती है, फिर मुझे मिला है, फिर कुत्ते कमीने देखने का कल रही हूँ, कुत्ते कमीने कल देखती हूँ तेरे को। लड़की कहती है लड़के से, तो है लड़का घबरा जाता है।
जैसे ही उसका वीडियो बनता है। दोस्तों आपने देख लिया, इस प्रकार लड़कियां लड़कों को व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से अपने जाल में फंसाती हैं, फिर उसके बाद उन लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं और रुपयों की डिमांड करती हैं। लेकिन आप सतर्क हो जाइए, अगर इस प्रकार की वीडियो कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो आप ये मत समझिए कि वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी दोस्त है, वह ब्लैकमेलर है, आप समझ जाइए। दोस्तों आप देख चुके होंगे कि पूजा नाम की लड़की है, वह लड़कों को मैसेंजर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, फिर लड़की एक्सेप्ट कर लेती है और उस पूजा नाम की लड़की को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती है, फिर वह पूजा नाम की लड़की व्हाट्सएप पर लड़कों को इस तरह चैटिंग करती है और उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं और लड़के उस लड़की के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उन लड़कियों के जाल में नहीं फंसना है। अगर अनजान लड़की की आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आता है या किसी भी प्रकार का वीडियो कॉल आता है तो आपको उठाना नहीं है, आप सतर्क हो जाइए। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है कि आप लोगों तक ऐसी जानकारी पहुँचे, आपको इसके बारे में सही जानकारी होना चाहिए कि आज के समय में लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करके फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हैं उनका वीडियो बनाकर। लेकिन दोस्तों आपको ना तो उन लड़कियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है ना ही किसी भी प्रकार का संपर्क करना है। ऐसी लड़कियों को आप तुरंत अपने व्हाट्सएप नंबर से ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो आप भी इस घटना का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों वह लड़की लड़के को व्हाट्सएप पर कहती है, जानू मेरे साथ वीडियो कॉल पर आओ, तो वह लड़का आ जाता है और इस जाल में फंस जाता है। उसी लड़के ने मुझे उस लड़की की व्हाट्सएप चैटिंग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड की थी। आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी लग सके। दोस्तों अनजान लड़की की आपके फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्या पता अगली शिकारी आप हो उसके, आप भी ऐसे जाल में फंस सकते हो। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना के बारे में जानकारी से विस्तार से समझ चुके होंगे। और मैंने इसके पहले एक वीडियो और बनाया था कि लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं, वह वीडियो भी आप देख लीजिए, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।